हाँ जी बेटे, अब हमारा टॉपिक क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन, एक ही बात। देखो बेटे, सेम तरीका है। हमने दो बॉडीज ली, नजदीक नजदीक नहीं लेनी है, थोड़ा सा दूर होंगे। एक बॉडी का मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, दूसरी का मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2, फिर किसी टाइम वो आकर टकराती हैं दोनों, इसका मतलब u1 u2 से ज्यादा था, और फिर टकराने के बाद में दोनों अलग अलग वेलोसिटी मान लीजिए v1 और v2 से चलने लगती हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटे? अब बात हम किसकी कर रहे हैं? इन इलास्टिक कोलिजन की। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज कॉन्स्टेंट रहती है बताओ जरा? लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है। तो इक्वेशन नंबर वन तो सेम आ जाएगी। क्या आएगा इक्वेशन वन? एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। कोई दिक्कत है बेटे? ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वन। कहां से आया बेटे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। दूसरी बात करते हैं, क्या काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है? नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी बराबर पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, और टोटल करना है तो क्या कर देंगे? सब कर देंगे। और फिर क्या आ जाएगा बेटे? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी है बताओ बेटे? बोलो भाई, देख कर नहीं बोलना है, पहले आपने बोलना है तभी तो मैं लिखूंगा, ताकि मुझे समझ आए कि आप बच्चों को समझ आ रही है बातें। देख कर बोलोगे तो ये तो ये भी हो सकता है समझ नहीं आ रहा, देख देख के बोले जा रहे। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली काइनेटिक एनर्जी इस वाली के बराबर होगी? नहीं। तो बताओ ज्यादा कौन होगी, बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन? बिफोर कोलिजन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टकराने से कुछ लॉस हुआ है, लॉस हुआ इसका मतलब बाद में कम हो गई है। अगर कम हो गई है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कितना कम हुआ, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कितना कम हुआ। तो हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर यहां बात करें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ध्यान देना बेटे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के ई से भी शो किया जा सकता है। डेल्टा के ई कितना होगा? हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर। ब्रैकेट में लिया है तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले वाली जो है वो बाद वाली से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इट इज क्वाइट सिंपल। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है बेटे क्या? बस ठीक है। अब इसमें और ज्यादा कुछ डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। जब हमें कोई सिचुएशन दी जाएगी कि भाई पहले दोनों बॉडी का मास सेम है तो क्या होगा, तो दोनों का मास सेम है तो कैंसिल कर देंगे, इधर से मास कैंसिल हो जाएगा, मास कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा? ध्यान देना बेटे, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर हाफ भी बचेगा। हाफ क्यों बचेगा? क्योंकि कॉमन लेके हम किसी से कैंसिल तो कर नहीं सकते, हमें तो लॉस कैलकुलेट करना है। तो अगर M1 और M2 M के बराबर हो जाएंगे तो क्या बचेगा बेटे? इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा बेटे, हाफ M कॉमन ले लेंगे, हाफ M क्या ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा? V1 स्क्वायर प्लस माइनस U1 स्क्वायर माइनस, ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया। ये क्या आ गया बेटे? लॉस। और मोमेंटम वाले से क्या मिलेगा हमें? मोमेंटम में क्या था? M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, M तो कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा बेटे? U1 प्लस U2 इज इक्वल टू V1 प्लस। तो जो भी हमें सिचुएशन दे रखी होगी ना बेटे, उस सिचुएशन के हिसाब से हम बिहेव करेंगे। अब मान लो कि एक और सिचुएशन दे दे, ये सिचुएशन दे दे कि दूसरी बॉडी रुकी हुई है, दूसरी बॉडी रुकी हुई है तो यहां पर क्या कर दो? U2 को जीरो कर दो, U2 को क्या कर दो? जीरो। और यहां पर भी U2 को जीरो कर दो। मतलब हमें क्या आना चाहिए? हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कंसेप्ट समझ आ गया कि भाई अगर इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों चीजें कॉन्स्टेंट ले लो, मोमेंटम भी काइनेटिक एनर्जी भी, और अगर इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैलकुलेट करना है, बस फार्मूले लगाओ हो जाएगा। टोटल मैथमेटिक्स है, कुछ और बचा ही नहीं समझने के लिए। बोलो बेटे हाँ या ना? Yes, sir. तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बोथ वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आई होप You all understand well.
कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास बिकॉज ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट एंड वी कैन नॉट कम्प्लीट इन इलास्टिक कोलिजन सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ओके आफ्टर रिसेस टाइम विल डिस्कस अबाउट दिस इफ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फाइन